स्वागत है आपका आज मेरे चैनल हरि दर्शन विद बिलजीत पे। और आज मैं दिल्ली में चितरंजन पार्क कालीबाड़ी टेम्पल आया हूँ, जो कि माँ काली को समर्पित है और दिल्ली का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है माँ काली का और बंगालियों का। मुझे किसी ने रेफरेंस दिया था कि आपको वहाँ जाना चाहिए, तो मैं आज मैं यहाँ स्पेशली विजिट करने के लिए आया हूँ। और अभी तक मैं फर्स्ट टाइम माँ काली टेम्पल आया हूँ विजिट करने के लिए, और आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस पूरे टेम्पल की, कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं और क्या इसकी हिस्ट्री है। बहुत ही हिस्टोरिकल टेम्पल है और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम टेम्पल के अंदर एंटर हो चुके हैं। और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो भारत के नई दिल्ली में चितरंजन पार्क में एक मंदिर परिसर और बंगाली समुदाय का सांस्कृतिक केंद्र है। एक छोटी पहाड़ी पर निर्मित ये 1973 में एक शिव मंदिर के रूप में शुरू हुआ था, जो कि अभी भी परिसर के भीतर खड़ा है। देवी काली मंदिर शिव और राधा कृष्ण को समर्पित बड़े मंदिर और 1984 में जोड़े गए थे। वर्षों से यह वार्षिक दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान स्थानीय बंगाली समुदाय के अभिसरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। और कमाल का स्ट्रक्चर है, बड़ी खूबसूरती के साथ इस टेम्पल को बनाया गया है और इसकी आर्ट भी बहुत खूबसूरत है। मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए हैं पूरी आर्ट आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं, अभी हम टेम्पल के अंदर हैं, यहीं से चलेंगे हम सामने। यही है टेम्पल, सबसे बड़ा जो सबसे माँ काली को समर्पित है। यहाँ से देख सकते हैं माँ काली की प्रतिमा, और ये है वो शिव टेम्पल। यहीं से हम, ये तीन टेम्पल यहाँ पे बने हुए हैं। ये शिव टेम्पल है, माँ काली का मंदिर बीच में है और साइड में ही शिव और एक श्री कृष्ण जी का मंदिर भी बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से अभी आप आ गए शिव मंदिर, ये देखिए यहाँ से, यहीं से मैंने पूरा कवर करते हुए, पूरी आर्ट को कवर करते हुए, इसकी आर्ट बड़ी प्यारी लग रही थी बाहर से, तो मैंने कोशिश की पूरी कवर करने की। यहाँ से देख सकते हैं, ये है शिव टेम्पल, बहुत ही हिस्टोरिकल टेम्पल है। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो अभी यहाँ पे आपको शायद कोई दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं 6:30 बजे ही शूट करने के लिए जाता हूँ, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है। ये देखिए यहाँ की आर्ट। यहीं से मैं अंदर आया और शिव को जल चढ़ाने के लिए, बड़ा ही अद्भुत मोमेंट था ये, ऐसे देख सकते हैं। बहुत ही पीसफुल प्लेस लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं अंदर आया यहाँ पे टेम्पल में। ये देखिए यहीं से मैंने शिव को जल चढ़ाया। और यहीं पे बाहर कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे दुर्गा पूजा के समय बहुत ही जबरदस्त भीड़ होती है, आपको यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी जब यहाँ दुर्गा पूजा होती है। और दुर्गा पूजा का मैं बता दूं कि दुर्गा पूजा की परंपरा 1977 में शुरू हुई थी। भक्तों के आधार के विस्तार ने फरवरी 1984 में बंगाल टेराकोटा मंदिर, वास्तुकला और एक भव्य काली मंदिर का निर्माण में सक्षम किया। और यहाँ से ये देख सकते हैं, ये माँ काली मंदिर, यही है ये माँ काली मंदिर यहाँ पे, जो जिसके नाम से ये बहुत फेमस है इस एरिया में। ये माँ काली की प्रतिमा यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्ट थी बाहर, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने एक छोटे छोटे क्लिप में कवर करने की कोशिश की। यहाँ से भी एक आर्ट देख सकते हैं। ये था माँ काली का टेम्पल, यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आर्ट। और इसके बाद ही दो मंदिर बनाए गए, एक शिव के लिए और दूसरा राधा कृष्ण के लिए। अभी तीसरा राधा कृष्ण का मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा। मंदिर को 2006 और 9 में आसपास विस्तृत टेराकोटा डिजाइनों से सजाया गया था। ये देख सकते हैं इसकी डिजाइनिंग, कमाल की आर्ट है। ये देखिए यहां से, और यहाँ से चलेंगे अब यहाँ पे। ये तीसरा टेम्पल है, तीन टेम्पल मैंने आपको बताया था, ये है तीसरा टेम्पल श्री कृष्ण और राधा। देखिए यहाँ से, ये है श्री कृष्ण और राधा जी का टेम्पल, यहाँ से आप देख सकते हैं। और चितरंजन पार्क में रहने वाले बंगालियों की उच्च घनत्व के कारण काली मंदिर बंगाली गतिविधियों का केंद्र है। और चितरंजन पार्क काली मंदिर सोसाइटी द्वारा प्रबंधित और ये पूरे वर्ष में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
का जो नियर मेट्रो स्टेशन है वो एमबी पॉकेट वन बोला जाता है। और यहाँ से अब आगे हम टेंपल से बाहर, ये है नंदी। तो यहीं से मैं अपने वीडियो को एंड की ओर ले जाते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने जो जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ से देख सकते हैं, और यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लूंगा। गुड बाय।